नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, कुछ ही दिनों बाद नया वर्ष आने वाला है और सभी लोग ये जानने को इच्छुक होते हैं कि उनका नया वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो मैं आपको आपकी राशि अनुसार ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपका जो आने वाला वर्ष है वो किस प्रकार रहेगा। और ये वार्षिक राशिफल जो मैं बताने वाला हूँ वो 7 बिंदुओं पर डिपेंड करेगा, यानी 7 बिंदुओं को लेकर मैं आपको आपका राशिफल बताऊंगा। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? व्यवसाय, धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और तबादला, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा, धार्मिक कार्य तथा उपाय। इन्हीं 7 बिंदुओं के ऊपर मैं आपको पूरा वार्षिक राशिफल देने वाला हूं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की, क्योंकि मेरे पिछले 6 वीडियो जो थे वो शुरू की 6 राशियों के बारे में थे। आज हम बात करने वाले तुला राशि के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले व्यवसाय की। तो व्यावसायिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ये वर्ष आपको अनेक उपलब्धियों से युक्त करेगा। बैंक तथा कर से संबंधित परेशानी दूर होगी, यानी आपका बैंक में कुछ लेन देन बकाया है या आपने किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो, या फिर लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की सारी परेशानी इस साल दूर होगी। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने अधिकारी के साथ संबंध मधुर बनेंगे, यानी कि आप अपने जो भी अधिकारी हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे। और किसी नए विभाग की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, हो सकता है आपको पदोन्नति मिल जाए और कोई नया विभाग जो है कोई नई जगह पर आपको पदोन्नति मिल जाए या उसकी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र में तुरंत लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे, यानी जो क्विक डिसीजन जो होते हैं वो आपको इस मामले में जरूर आपको सफलता दिलाएंगे। और जो व्यापार आप इस समय कर रहे हैं उसमें भी लाभ होगा अगर आप क्विक डिसीजन लेते हैं तो। हो सकता है आपको इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन भी मिल जाए, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं धन संपत्ति की। तो आर्थिक आधार पर देखा जाए तो इस वर्ष आपकी भूमि तथा खुद का मकान बनाने के योग दिखाई दे रहे हैं, यानी या तो आप भूमि खरीद सकते हैं या खुद का मकान बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं घर परिवार की। तो इस वर्ष घर परिवार में शुभ या कोई मांगलिक कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी या तो कोई शुभ कार्य आपके घर हो, यानी कोई भगवान की पूजा, बड़ी पूजा आप करवा सकते हैं, या कोई मांगलिक कार्य जिसमें शादी विवाह कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार के कार्यक्रम होने के संकेत मिल रहे हैं। अब आप पर पारिवारिक दायित्व भी बढ़ेगा, क्योंकि घर में इस प्रकार के मांगलिक कार्य होंगे तो दायित्व तो आपके ऊपर बढ़ेगा ही। आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है इस भाग दौड़ में आप अपने माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान ना रख पाओ, इस कारण से आपको इस वर्ष माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मई एवं दिसंबर के महीने में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। चलिए बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। तो तुला राशि वालों का स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ष थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। पेट तथा फेफड़ों से संबंधित परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस पक्ष पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हृदय के रोग तथा मानसिक तनाव की स्थिति से सामना करना पड़ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, अगर आप टेंशन लोगे तो मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस वर्ष आपको संक्रमण रोगों से भी अपने आप को बचाना रहेगा, क्योंकि कोविड का दौर अभी खत्म हुआ नहीं है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का संक्रमण आपको न घेरे। चलिए बात करते हैं यात्रा और तबादले की। तो इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की संभावना होती दिखाई दे रही है, यानी जो आप काम इस समय कर रहे हैं, जहां पर आप भी काम कर रहे हैं वहां पर हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपका ट्रांसफर भी संभव है, यानी हो सकता है कि जो आपके अधिकारी हैं वो ट्रांसफर दे के आपका प्रमोशन करें। किसी मांगलिक कार्य के लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, हो सकता है कोई मांगलिक कार्य के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़े। फरवरी से अप्रैल के बीच किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप किसी दूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं, हो सकता है आप ऑफिस के काम से कहीं दूर यात्रा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं परीक्षा और प्रतियोगिता की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा, यानी कि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं और उसमें आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मई नवंबर का महीना, मई से नवंबर तक का जो महीना है वो उत्तम रहने वाला होगा। अगर आपकी परीक्षा इन महीनों के बीच में आती है तो इसमें सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं धार्मिक कार्य या उपाय की। अगर मान लीजिए कि आपका किसी प्रकार से आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो इस प्रकार के जो उपाय हैं अगर वो करते हैं तो आपकी किस्मत जरूर साथ देगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि श्री यंत्र का पूजन करना इस वर्ष आपके लिए लाभदायक होगा।
शिव जी तथा हनुमान जी की उपासना करना शुभ फलदायी होगा। मतलब अगर आप शिव जी और हनुमान जी की उपासना करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फलदार वृक्ष लगाना तथा नीलम या हीरा रत्न धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चावल का दान करना और गरीब छात्रों को पुस्तकों का दान करना श्रेष्ठ रहेगा। तो इस प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए।